बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान शोबे इंडस्ट्री की मकबूल तरीन जोड़ी शहबाज शरीफ और रहमा बेग की दोस्ती के तो चर्चे हैं और दोनों रिश्ता अजवाज में ही मुंसलिक होंगे। शहबाज शरीफ की सालगिरह पर रहमा बेग ने एक तफसीली पैगाम के जरिए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इजहार मोहब्बत किया है। गुलूकारा ने शहबाज शरीफ के साथ एक यादगार तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि उस वक्त मेरे दिमाग में यहाँ कैप्शन लिखने के लिए कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी शख्सियत को बयान करने के लिए अल्फाज ना काफी हैं। उन्होंने कहा कि वो तमाम यादगार लम्हात जो आपके साथ बताए हैं उन्हें लफ्जों की सूरत में यहाँ तहरीर करना एक मुश्किल काम है, कैप्शन को ज्यादा तवील करना भी बोरियत बन जाएगा। गुलूकारा ने कहा कि किसी को अपनी जिंदगी में किसी किस्म के कॉमेडियन की जरूरत नहीं अगर उसकी जिंदगी में आप हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आयमा बेग पाकिस्तान की एक मशहूर गुलूकारा और स्क्रिप्ट राइटर हैं। आयमा ओमान में परवान चढ़ी जहां उनके वालिद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। आयमा ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से फिल्म और टीवी में बैचलर की डिग्री हासिल की। कोक स्टूडियो सीजन 10 से गुलूकारा आयमा बेग नौजवानों के दिलों पर छा गई, लेकिन इससे पहले वो क्या करती थी कम ही लोगों को मालूम है। वो शायद उनमें से एक आप भी हों, तो आइए हम आपको बताते हैं। कोक स्टूडियो ज्वाइन करने से पहले आयमा बेग दुनिया न्यूज़ के मजाइश और मुज़ाकरात की शरीक मेज़बान थी और मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ गुलूकारी भी करती थी, लेकिन कोक स्टूडियो ज्वाइन करने के लिए उन्होंने मजाइश शो को खैरबाद कह दिया। जबकि अदाकारा ने हाल ही में ये भी इंकशाफ किया था कि शो के दौरान वो रोया करती थी क्योंकि जब भी कोई गुलूकार शो में आता था तो अपने गाने गाता था और मैं किसी और के, जिसकी वजह से मुझे बहुत मायूसी होती थी और इसी वजह से मैंने मुज़ाकरात को खैरबाद कहकर कोक स्टूडियो को ज्वाइन करने का फैसला किया था। जिसके बाद कोक स्टूडियो में गानाबाजी गाकर आयमा बेग ने सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा कर दिया। आयमा बेग 10 मार्च 1989 को लाहौर में मुसलमान घराने में पैदा हुई थी और 2014 में पहली मरतबा फन की दुनिया में कदम रखा। लक्स स्टाइल अवार्ड की बेहतरीन खतून गुलूकारा का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। 37 साल आयमा मुज़ाकरात में ए राह हक के शहीदों जैसे गाने समेत दिलों को मोह लेने वाली गुलूकारी के अलावा फिल्म लाहौर से आगे के लिए बेफिक्रियां, कैफो सुरूर, अहले दिल और कलाबाज दिल जैसे गानों के अलावा एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान के हमरा समर वाइन जैसा गाना भी गा चुकी हैं। नौजवानों के दिलों में घर करने वाली आयमा बेग के अपने पसंदीदा गुलूकार राहत फतेह अली खान हैं। जबकि दूसरी जानिब चंद्रोस कबल गुलूकार आयमा बेग ने अपनी शादी के बारे में बताते हुए कहा था कि वो शहबाज शरीफ से मुस्तकबिल में शादी करने का इरादा रखती हैं। जबकि सोशल मीडिया पर उनकी शादी के बारे में चहमगोइयां हो रही थी और गुलूकारा आयमा और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात पर तबसरे किए जा रहे थे। गुलूकारा ने इन बातों की तर्दीद करते हुए कहा था कि वो और शहबाज शरीफ अच्छे दोस्त हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। शोबिज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।